नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडूला। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों से रूबरू करवाने का। गोरखपुर पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, 9 एकड़ में बने काना ऊपर पशु आश्रम गृह का किया उद्घाटन। कानपुर जरीफ चौकी इलाके में बिजली के पोल में उतरा करंट, चपेट में आकर हॉकर की मौत। विधायक इरफान सोलंकी व अमिताभ वाजपेयी सिंह परिजनों ने किया प्रदर्शन, 5 लाख का मुआवजा देगा बिजली विभाग। यूपी के हमीरपुर में रिश्ते हुए शर्मसार, ताऊ ने नाबालिग भतीजी को बनाया अपने हवस का शिकार। बीमार बच्ची ने स्कूल की वार्डन को सुनाई दर्दनाक दास्तान, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, लोगों से की पानी बचाने की अपील। कानपुर के डीएम विजय विश्वास पंत ने हेलमेट को लेकर लोगों को किया जागरूक। टूट गया 100 इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसों में आरामदायक सफर का लखनऊ वासियों का सपना। केंद्र सरकार ने किया सब्सिडी देने से इनकार, रद्द हुआ टेंडर। इटावा में शताब्दी एक्सप्रेस में वृद्ध के साथ दुष्व्यवहार, निलंबित किए गए स्टेशन अधीक्षक। वृद्ध यात्री ने शताब्दी एक्सप्रेस के टीटी पर धोती पहनने के कारण कोच में न चढ़ने की थी शिकायत। बाराबंकी के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई फायरिंग में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की पत्नी की मौत। भाजपा नेता सहित 6 पर दहेज हत्या का आरोप, केस दर्ज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी के हर घर नल और हर नल जल अभियान पर निशाना। अखिलेश ने कहा, स्वच्छता अभियान जैसे ही होगा नए अभियान का हाल। मैनपुरी में कुरावली थाना क्षेत्र के NH91 पर दलित महिला का अपहरण कर गैंगरेप और लूट। कार सवार 3 बदमाशों ने बाइक रुकवा कर पति की आंखों में डाला स्प्रे, पत्नी का किया अपहरण। बागपत में दहेज उत्पीड़न मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने जा रही युवती और उसके भाई पर तेजाब से हमला। झुलसे भाई बहन को किया जिला अस्पताल में भर्ती, पति पर लगाया एसिड अटैक का आरोप। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की घटना मामले की छानबीन में जुटी पुलिस।